तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और मैंने अपना फ्लेम कर लिया है ऑन। अब फ्लेम मेरा है बहुत स्लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए हैं पाइन एप्पल्स, मेरे पास ये कैन पाइन एप्पल्स थे, ठीक है। 1 कप मेरे पास कैन पाइन एप्पल्स हैं और उसका वाटर जो है वो मैंने ड्रेन कर दिया है। ऐड किए हैं यहाँ पे 3 to 4 tablespoons मैंने शुगर और 1/4 cup ऑफ वाटर। इसको अच्छे से मिक्स करके हम उतनी देर कुक करेंगे कि इसका जो वाटर है वो हमारे पास ड्राई हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ अच्छे से मिक्स और इसको स्लो फ्लेम पर ही छोड़ देंगे कि इसका जो है वो वाटर हमारे पास अच्छे से ड्राई हो जाए। मीनवाइल हम लोग अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं जेलेटिन। तो मैंने यहाँ पर 2.5 tablespoons जेलेटिन ली है और मेरे पास ये वाटर है जिसमें मैं इसे डिसॉल्व करूँगी। वाटर मेरा जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। आप अपनी पैकेज के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी जेलेटिन को जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पैकेज पे ये होता है कि आप इसे हॉट वाटर में डिसॉल्व करें। तो इसको मैं अच्छे से डिसॉल्व करके कर देती हूँ साइड में, ठीक है। और अपने पाइन एप्पल्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वाटर इसका ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और सिर्फ थोड़ा सा ही इसके अंदर वाटर बचा है, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ स्टिर ताकि जो मेरे पास लेफ्ट ओवर वाटर है वो भी मेरे पास अच्छे से ड्राई हो जाए, ठीक है। यहाँ पर कर रहे हैं इसको ड्राई। यहाँ पर मेरे पाइन एप्पल्स देखें, वाटर बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 cup ऑफ कंडेंस मिल्क, ठीक है। कंडेंस मिल्क मैंने ऐड करके इसे करना है अच्छे से मिक्स, ताकि पाइन एप्पल अच्छे से मेरे कंडेंस मिल्क के अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाए। और फ्लेम को हमें अपना रखना है लो पर ही, ठीक है। यहाँ पर मिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 cup ऑफ फ्रेश क्रीम। ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल मेरे पास फ्रेश क्रीम है 200 ml की 1 cup, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से कर दूँगी मिक्स, ताकि तीनों चीज़ें मेरे पास अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएँ, ठीक है। अच्छे से कर रही हूँ मैं इसको यहाँ पे मिक्स, और ये मेरे पास यहाँ पर देखें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जो मैंने अपना जेलेटिन का मिक्सचर प्रिपेयर करके रखा था, अब वो मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है अपनी जेलेटिन जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई थी। और जेलेटिन ऐड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने 30 to 40 seconds इसको कुक करना है और उसके बाद इसका फ्लेम मैं कर दूँगी बंद, ठीक है। तो फ्लेम ऑफ करके मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ सर्विंग बाउल में, ठीक है। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे हमारा मिक्सचर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे रख लेंगे रेफ्रिजरेटर में, नॉट इन द फ्रिज। हमें रखना है इसको रेफ्रिजरेटर में 2 hours के लिए, ताकि हमारी पुडिंग जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था, इसको रख रही हूँ मैं फ्रीजर में, फिर 2 hours के बाद हम इसे टेक आउट करेंगे। तो 2 hours के बाद मैंने फ्रीजर से निकाल लिया था और देखें पुडिंग मेरी ज़बरदस्त सी सेट हो गई है। आप इसे ऐसे स्लाइसेस करके कट करके सर्व कीजिए, बहुत मज़े की बनती है ये पाइन एप्पल स्टफ पुडिंग। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी स्प्रेड कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।